तुम गर्दन झुकाने की बात करते हो, हम वो हैं जो आंख उठाने वालों की गर्दन प्रसाद में बांट देते हैं। उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, फिर से सुन ले, सिर्फ उम्र ही छोटी है लेकिन सलाम तो सारी दुनिया ठोकती है। सुप्रभात, हमारा नाम है सौरभ मिश्रा। आज बात करते हैं धारा 370 के बारे में। जो धारा 370 हटने के बाद हमारे देश में क्या क्या खूबी हुई है, हमारे देश से क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो ये एक ऐसा धारा था जिस कश्मीर को एक स्पेशल अधिकार दिया हुआ था। अधिकार वो ये दिया हुआ था कि अगर हम कश्मीर का कोई भी लड़की चाहे तो भारत के किसी भी राज्य में किसी भी अंग में कहीं भी रह सकती है, लेकिन अगर कोई भारतीय ये चाहे कि वो जाए कश्मीर में बस जाए तो वो नहीं बच सकता। क्यों? क्योंकि कश्मीर को स्पेशल धाराएं भी स्पेशल पावर दिया गया था। लेकिन अभी हमारे न्यू गवर्नमेंट जो मोदी हमारी सरकार है, इस मोदी सरकार के फैसले के बाद ये सब कुछ खत्म हो चुका है। अब वो भी एक आम राज्य केंद्र शासित राज्य में प्रदर्शित हो चुका है, जहाँ पे कोई भी जाके रह सकता है, कोई भी वहां पे जाके शादी कर सकता है और वहां पे जमीन भी खरीद सकता है। इस धारा के चलते वहां के जो कुछ खानदानी राजा लोग थे वो अमीर पे अमीर होते गए। और इसके बाद इस धारा 370 हटने के बाद वहाँ कुछ पाकिस्तान कुछ बौखलाहट इस तरह आपको दिख रहा होगा संसद में। ये देखिए, पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इनको क्रश करने की कोशिश करेंगे और जब वो क्रश करेंगे रद्द अमल आएगा। पुलवामा टाइप इंसिडेंट होगा, पुलवामा टाइप इंसिडेंट होगा। मैं आज पेशेंट को ही करता हूं, इन्होंने वही करना है जो पहले इन्होंने किया। इन्होंने दुनिया ने कह रहे जी पाकिस्तान से दहशत गर्दी आई। ये है पाकिस्तान का बौखलाहट, पाकिस्तान हो चुका है पागल। इसके बाद ये समझौता आने के बाद पाकिस्तान ने सब कुछ कैंसिल कर दिया। पाकिस्तान से जो समझौता एक्सप्रेस आ रही थी वो कैंसिल कर दिया। राजनीतिक कूटनीतिक और जितने भी उसके हमारे भारत के साथ रिलेशनशिप है सब कुछ वो कैंसिल कर चुका है। किस लिए? धारा 370 हटने के बाद वो आग लग चुका है। वो गया यूएनए के पास, सऊदी अरब के पास और सारे इस्लामिक कंट्रीज के पास। इस्लामिक कंट्रीज ने क्या कहा? इस्लामिक कंट्रीज ने यह कहा कि ये भारत का आंतरिक मामला है, हम इसमें दखल अंदाजी नहीं दे सकते और आप कृपया शांति बनाए रखें। उसके बाद आप सोचिए अब कौन सा देश के सामने गया होगा? वो गया अमेरिका के पास, जो अमेरिका, अमेरिका एक नंबर का आप तो जानते ही हो, अमेरिका जिसका भाई पल्ला भारी अमेरिका उसी के साथ। तो अमेरिका ने भी कह दिया कि हम भाई हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी जानता है कि इंडिया के खिलाफ जाने का नतीजा क्या हो सकता है, तो उसने भी मना कर दिया। इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता तो पाकिस्तान सनक चुका है। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान युद्ध की धमकी दे रहा है। उसके संसद में कुछ इस तरह कार्रवाई कर सकते हैं। इन्होंने फिर आजाद कश्मीर पर कुछ करना है, रद्द अमल आएगा अगर इनके ऑपरेशन की वजह से कुछ हुआ, इंसिडेंट हुआ पुलवामा टाइप। इन्होंने एक्शन लेना है, हम उसको जवाब देंगे। ये हो नहीं सकता कि ये अगर पाकिस्तान में अटैक करेंगे हम उसका जवाब ना दें, हम जवाब देंगे। उसके बाद बकरा है, इसका सबसे बड़ा मित्र चाइना। चाइना ने भी बीच में इंटरफेयर करा था और कहा था कि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। तो इंडिया के हमारे विशिष्ट हमारे राजनीतिक सलाहकार और किंबा विदेश मंत्रालय से उन्हें ये जवाब मिला कि हम आपके आंतरिक मामले में दखल अंदाजी नहीं करते हैं, तो भारत भी आपसे यही चाहता है कि आप भी भारत के आंतरिक मामले में दखल अंदाजी ना करें। अब सब आते हैं, कोई बोलता है शिमला समझौता में ऐसा कोई समझौता नहीं था कि धारा 370 हटाया नहीं जा सकता। जो भी विपक्ष के बयान दे, धारा 370 में बस इतना ही कहा गया था कि भारत के जो भी मामले होंगे, युद्ध और कश्मीर के ऊपर जो भी विवाद होगा, ये दोनों देश भारत और पाकिस्तान मिलकर सुलझाएगा। ठीक है, ये कोई विवाद नहीं है क्योंकि हमारा देश है पाकिस्तान, हम कुछ भी कर सकते, वो हमारे देश में। राजा हरिश्चंद्र के टाइम पे एक टेम्पररी ये गठन किया गया था। राजा हरिश्चंद्र ये गठन नहीं किया था कि टेम्पररी की धारा 370 है वो जो कटाए मतलब कश्मीर में रखा गया था, राजा हरिश्चंद्र ने नहीं किया था। जो वहां के राजनीतिक जो वहां पे जो वहां खानदान है और नेहरू का शासन ऐसा था, जब कश्मीर पे हमला हुआ तो राजा हरिश्चंद्र इंडिया के पास आए, तो उस टाइम इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, उन्होंने इंडिया सैनिक को भेजा, भारतीय सैनिक को भेजा और भारतीय सैनिक अंदर घुस चुकी थी पाकिस्तान के। बट हमारे राजनीतिक कमजोरी के कारण उस टाइम पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हमारे हिस्से में नहीं आ सका। सिर्फ हमारे लूज राजनीति के चार, हमारी आर्मी कह रही थी कि हम घुस के मारेंगे। यहाँ तक कि 26/11 कांड के टाइम भी हमारे एयरफोर्स ने, एयरफोर्स के जो उस टाइम चीफ ऑफ मार्शल थे, उन्होंने भी ये कहा था कि हम पाकिस्तान में जाके स्ट्राइक करना चाहते हैं। पर उस टाइम भी राजनीतिक कूटनीतिक कमी और राजनीतिक कमी का हमारे देश के फोर्स एक्शन नहीं कर पाए थे। और आज वो चीज चेंज हो रहा है। आज जो हमारे लीडर्स है, आज जो हमारे ये हैं, उनमें पावर है, वो स्टेमिना है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और फिलहाल ये चीज पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है। भारत ने कूटनीतिक क्षेत्र में इतना डेवलपमेंट किया कि इस फैसले के बाद कोई देश उसका विरोध नहीं कर रहा, सिर्फ चाइना और पाकिस्तान को छोड़ के। और पाकिस्तान का सलाहकार माना है तुर्की,
और पाकिस्तान दिन पर दिन धमकियां देते जा रहा है, लेकिन वो जानता है कि वो कुछ नहीं उखाड़ सकता। एजुकेशन पढ़ाई एजुकेशन हो गया, उनके जॉब्स हो गया, जो हमारे रेजिस्ट्रेशन था कि वो लोग जितने भी डेवलप करना चाहे अभी डेवलप हो सकता है। अब हमारी गवर्नमेंट नई नई वहां पॉलिसी डालेगी, फैक्ट्रीज डालेगी, उस फैक्ट्री से जॉब मिलेगा, इतने एजुकेशन बढ़ोतरी होंगे, हमारे देश का हर जगह स्किल डेवलपमेंट होगा, RIT वहां पे RTI लागू होगा, वो लोग भी हमारे देश का एक हमारे भारत के साथ जुड़ेंगे और इतना बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है और इसका होने जा रहा है और इसका जो भी विरोध कर रहा है वो तो मैं तो डेफिनेटली बोलता हूँ ये बिल्कुल गलत है, आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए। और जिस पाकिस्तान का आप सपोर्ट कर रहे हो ना, पाकिस्तान कलाल कंगाल है, साला भिखारी, इकोनॉमिक्स तो उसकी कहीं ठहरती नहीं भारत की इकोनॉमी के सामने, और दूसरा POK संभाल नहीं पाता, जो भी भारत में रहकर कश्मीरी और मतलब भारत में रहकर पाकिस्तान की वाहवाही करते हैं। बस मैं उन्हें इतना ही कहना चाहता हूँ कि POK का हालत आप जाके कभी देख लो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का क्या हालत है, बलूचिस्तान का हालत देख लो, आज वहां पे लोग चिल्लाते हैं कि मुझे भारत में शामिल होना है, मुझे भारत में शामिल होना है, और हमारे भारत एक चूतिया हराम ज्यादा लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में, पाकिस्तान जो कह रहा है सही है, भारत तो POK मतलब भारत का हिस्सा तो था ही नहीं कभी पाकिस्तान, सॉरी भारत का हिस्सा तो कभी था ही नहीं कश्मीर, वो चूतिया लोग को मैं कहना चाहता हूँ जाके देखो बलूचिस्तान में, पाकिस्तान का अंदर में है, क्या हो रहा है वहां पे, क्या हो रहा है वहां पे, वहां पे लोग इंडिया में मिलने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा दबाया जा रहा है, और कुछ चूतिया लोग कुछ इस टाइप के फोटोज वायरल करके ये कह रहे हैं कि ये भारत का फोटो है, तो मैं उन्हें सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि ये फोटो भारत का नहीं है, जो यहाँ के आर्म फोर्सेस है वो भारत के नहीं है, वो अलग देश के है, या तो वो POK के है तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो बलूचिस्तान में दबाया जा रहा है वहां के लोग हैं, किम्बा ये और कोई जगह के, ये भारत के नहीं है, आपको मानना चाहिए, कहीं से भी कोई फोटो लाइक वायरल कर देता है आप कैसे भरोसा कर रहे थे उस फोटो के ऊपर। इंडिया एक आज बेस्ट कंट्री और इससे अच्छा कंट्री, और जो भी कहते हैं ना कि इंडिया में रहने से मुझे डर लग रहा है, मुझे ये लग रहा है वो लग रहा है, मैं उन्हें बस इतना कहना चाहता हूँ इंडिया में रह के आपका ये हालत है, काश आप चाइना में पैदा होते तो आपका क्या होता, अभी तक अंदर घुसा के गवर्नमेंट के खिलाफ इतना बोल रहे थे ना, अभी तक जेल में घुसा के ना इतने डंडे पड़ते ना कि देखने को जगह नहीं मिलता, ये भारत है इसीलिए आप कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि डेमोक्रेसी है यहाँ पे, जिस दिन ये डेमोक्रेसी हट गई ना घुसा घुसा के मारेंगे और कोई बचाने वाला नहीं होगा, ये देश है हमारा, रिस्पेक्ट किया करो, और पाकिस्तान जैसे चूतिया देश की तो रिस्पेक्ट करने जो करते हैं ना उन जैसे भोसड़ी वाले को मैं एक ही कहना चाहता हूँ, निकल लो भोसड़ी के, पहले टिकट से निकल लो उस चूतिया देश में, और जब वहां पे गांड मार लात मार के भगाएंगे ना तब कहना भारत माता की जय, सुनने के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट जुड़ने के लिए, इंडिया के साथ जुड़ने के लिए आप जुड़िए, इस चीज का विरोध मत कीजिए, इस चीज का साथ दीजिए, आप कोई भी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो या हम लोग के BJP के हो, AMC के हो, आम पार्टी हो, आज इस चीज को सपोर्ट करो, आज इस चीज को ये करो, आज यूनिटी दिखाओ कि हमारे भारत में क्या यूनिटी और हम क्या कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।